तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे होशियार सिंह भारद्वाज यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, तो पेश है ये सुंदर सा वीडियो। दोस्तों, मैं पवन कुमार हरतवास पंचायत शाली गांव से हूँ और पिछले कल बशीर मोहम्मद ने जो है पॉपुलर का पेड़ काटा है ऊपर से, और आप देख सकते हैं मैंने नीचे अपने बगीचे में करीब 300 पेड़ इटालियन सेब का लगाया इस साल। और पिछले कल करीब 12 बजे उन्होंने पेड़ गिरा दिया, और जिससे आप देख सकते हैं मेरे पेड़ कितने टूटे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। करीब 30 से 32 पेड़ मेरे टूट चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और मैं अपने खेत में स्प्रे कर रहा था नीचे खेत में, और ऊपर से पेड़ गिरने की आवाज़ आई, पेड़ गिरा मेरे खेत बगीचे में, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने उनसे पूछा। और उनका लड़का है लतीफ मोहम्मद, वो मेरे को बोल रहा है, बोला तूने जो करना है कर ले। ये देख सकते हैं आप, करीब मेरे 32 पेड़ का नुकसान हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। और कल मैं गया था प्रशासन के पास और मैंने उनको दिन में मना किया था कि भाई कटर मत लगाना आप, यहाँ से जो भी ऊपर से पॉपुलर का पेड़ पड़ा हुआ मेरी ज़मीन में उसको रहने देना, जब तक प्रशासन नहीं आएगा आप इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने दिन दिहाड़े यहाँ पे कटर चला कर, ये देख सकते हैं आप, उन्होंने सारा जो है लकड़ी काट कर साइड में लगा दी। और कल पुलिस प्रशासन आया था मौके पर, उन्होंने रिपोर्ट लिख ली है, और आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आया था, उन्होंने भी इसकी छानबीन शुरू कर दी है। और पटवार वृत्त के लिए भी माननीय तहसीलदार जी ने रिपोर्ट भेज दी है, वो भी इसका मुआयना करेंगे। मैं आप सभी फेसबुक मित्रों से अनुरोध करता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे जल्द से जल्द प्रशासन से मदद मिल सके, मुझे इंसाफ मिल सके। ये देख सकते हैं आप, करीब 32 पेड़ का मेरे नुकसान हो चुका है, ये देख सकते हैं। इस साल करीब मैंने ये इटालियन सेब का पौधा लगाया था, ये देख सकते हैं आप, ये है वो लकड़ी जो उन्होंने साइड में लगाई हुई है काट के, ये देख सकते हैं पूरा घास मेरा उन्होंने ख़राब कर दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, और लकड़ी देख सकते हैं आप, ये उन्होंने ढेर लगाया वो लकड़ी का छुपा दी थी यहाँ पर, और जब प्रशासन आया तो उन्होंने ये लकड़ी छोड़ दिया यहाँ पर। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे इंसाफ दे। आपको
ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरे होशियार सिंह भारद्वाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।